हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे एडुकेशन में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड ने बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर 2019 में डीएलएड के लिए जो बिहार बोर्ड ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया था, जिसमें 1,80,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था और उन लोगों ने फी जो जमा किया था वह 960 रुपये और 770 रुपये अपने अपने कैटेगरी वाइज के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट किया था। लेकिन उन लोगों का एग्ज़ाम जो अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो उन लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी डीएलएड का फिर से फॉर्म जो है फिलअप करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है करवाया जा रहा है, तो आप लोगों को जो है फिर से पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि जो पहले से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उन लोगों का पेमेंट जो है किस प्रकार से वापस लिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट पहले कर दिया था, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप लोगों को ऑनलाइन फिर जो है रिफंड पेमेंट लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस करने होंगे। बिहार बोर्ड ने ये बता दिया है कि सभी स्टूडेंट का जो है पैसा आप लोगों के पास जो है पुनः वापस कर दिया जाएगा। तो आप लोग किस तरह से अपना जो है क्या प्रोसेस है रिफंड लेने के लिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के द्वारा जो भी अपडेट दिया जाए उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 प्रशिक्षण सत्र 2020-22 आयोजित नहीं किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना आप लोगों को यहाँ पे जो है सूचना दिया जा रहा है कि पहले जो आप लोगों का जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ था, तो उसी के बारे में सूचना सामने निकल के आ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उप सचिव शिक्षा विभाग पटना के द्वारा जो ये अधिसूचना 312 दिनांक 15/12/2020 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 से संबंधित सभी अभ्यर्थी, अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय को प्रचार को सूचित किया जाता है कि इस प्रशिक्षण सत्र 2020-22 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन की कार्रवाई नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो इंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, तो इससे पहले जो भी अभ्यर्थी अप्लाई कर दिए थे और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से 960 रुपये और 770 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किए थे, उन लोगों का जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क की राशि समिति द्वारा वापस कर दी जाएगी, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी अलग से दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप लोगों को जो पैसा वापस कर दिया जाएगा 960 रुपये, और जो है आप लोगों का 770 रुपये जो भी अभ्यर्थी जो है अप्लाई किए थे उनका जो है पैसा अब रिफंड आने वाला है, जो कि सूचना बहुत जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों का जो है किसी प्रकार से जो आप लोगों का पैसा जो आप लोगों को रिफंड मिलने वाला है। तो आप लोग जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर लीजिए, और इस चैनल के माध्यम से हर अपडेट आप लोगों को डीएलएड से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो इस चैनल के द्वारा हम आप लोगों को इसी तरह से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और डीएलएड फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आप लोगों के मन में सवाल या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।